रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बगड़ती रायस से रामगढ़ विधानसभा मुख्यालय तक तिरंगे के सम्मान में रैली के रूप में पदयात्रा का आयोजन किया। तिरंगे के सम्मान में निकाली गई पदयात्रा रैली में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खां, रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर, प्रधान नसरू खां के साथ विधानसभा क्षेत्र के अनेक सरपंच, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्यों सहित कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता बगड़ती रायस से रामगढ़ तक करीब 10 किलोमीटर की पदयात्रा करके रामगढ़ तहसील मंच पहुंचे। पदयात्रा का नंगला, बंजीर का, नाड़का, पीपरोली, खातीबास, रेलवे फाटक रामगढ़, बस स्टैंड रामगढ़ पर स्वागत किया गया। तहसील मंच रामगढ़ में पदयात्रा के पहुंचने पर विधायक साफिया जुबेर ने समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि आजादी के बाद विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में ये पहली राष्ट्रीय ध्वज पदयात्रा है जिसका ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, एडवोकेट राजकुमार यादव, अनूप शर्मा, पंचायत समिति सदस्य शौकत खान, युवा कांग्रेस नेता इमरान खान, गजेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, एडवोकेट रोहिताश, एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, वीर सिंह, सरपंच कल्लू, सरपंच शौकत खान, सरपंच निजामुद्दीन खान, मुस्ताक खान, गोवर्धन शर्मा, ऋतुराज चौहान, दिनेश वाल्मीकि, अतर सैनी, उपधान पंचायत समिति रामगढ़, जीएस नरुका, जिला महामंत्री अलवर, राम खिलाड़ी मीणा, सरजीत हरजीत सिंह मुबारकपुर सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।